पंजाब के फरीदकोट में कोरोना वायरस का संदिग्ध मरीज मिला है। डॉक्टरों ने उसके सैंपल जांच के लिए भेज दिए हैं। मरीज कोटकपुरा का रहने वाला है और चीन के रास्ते कनाडा से भारत आया है। पंजाब के फिरोजपुर में बीएसएफ ने पाकिस्तानी तस्करों की ओर से भारतीय क्षेत्र में फेंके हीरोइन के पैकेट उठाने आए 3 तस्करों में से 2 को काबू कर लिया। एक तस्कर भागने में कामयाब हो गया। तीनों तस्कर 22 से 25 साल की आयु में है। बीएसएफ ने सोमवार को दोनों तस्कर थाना सदर पुलिस के हवाले कर दिए। हरियाणा परिवहन विभाग के निदेशक ने रोडवेज के सभी महाप्रबंधकों को पत्र जारी कर मोटर व्हीकल ट्रांसपोर्ट एक्ट 1961 का पालन करने का आदेश दिया है। इसके तहत यदि रोडवेज चालक परिचालकों से दिन में 8 घंटे से ज्यादा ड्यूटी ली तो बदले में उसको ओवरटाइम देना होगा। इसके अलावा बस अड्डे पर चालक परिचालकों के लिए रेस्ट रूम, कैंटीन और दूसरी सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए भी कहा गया है। पठानकोट मंडी फोरलेन के निर्माण की बाधाएं काफी हद तक दूर हो गई हैं। सामरिक महत्व की दृष्टि से अहम फोरलेन का निर्माण कार्य 5 चरणों में होगा। भूस्खलन से प्रभावित क्षेत्र में 2 लेन बनेगी। आने जाने के रास्ते अलग अलग रहेंगे। दिल्ली में उच्च स्तरीय बैठक में यह निर्णय लिया गया। बैठक में केंद्रीय भूतल एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के अलावा सीएम जयराम ठाकुर, सांसद रामस्वरूप और हिमाचल के एनएचएआई के आला अधिकारी भी मौजूद रहे। 2 दिन मौसम साफ रहने के बाद अब एक बार फिर मौसम ने करवट ले ली है। मंगलवार को फिर पूरे प्रदेश में बादल छाए रहेंगे। मौसम विभाग चंडीगढ़ की माने तो सूबे में 5 और 6 फरवरी को एक बार फिर धुंध छाएगी। वहीं हरियाणा में हिसार की रात सबसे ठंडी रही। पिछले 2 दिनों में हिसार में तापमान 5 डिग्री सेल्सियस से भी कम है।